दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में आज दिल्ली में होटलों को फिर से खोलने को मंजूरी है। हालांकि साप्ताहिक बाजारों को अभी जहां ट्रायल के आधार पर फिर से खोलने की ही मंजूरी मिल पाई है, वहीं जिम फिलहाल बंद रहेंगे। कोरोना संकट के बीच राजधानी दिल्ली में होटल, साप्ताहिक बाजार और जिमनेजियम फिर से खोलने पर फैसला लेने के लिए बुधवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई गई थी। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी होटल फिर से खोलने पर फैसला लिया गया है। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। पहले मंगलवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन की बैठक होने वाली थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से ये बैठक नहीं हो सकी। गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बीते माह 31 जुलाई को आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अनलॉक 3 में होटल और एक सप्ताह के लिए प्रायोगिक तौर पर साप्ताहिक बाजार फिर से खोलने के फैसले पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा था कि जैसे कि कोविड-19 की स्थिति नाजुक बनी हुई है और खतरा अभी दूर नहीं हुआ है, तो उसी के मद्देनजर मैंने ये फैसला लिया था। ज्ञात हो कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए गुरुवार को दिल्ली में होटल को फिर से खोलने का फैसला किया था। इसी के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और कोविड-19 से बचाव के सभी आवश्यक उपायों को अपनाते हुए शनिवार 1 अगस्त से 7 दिन के लिए प्रायोगिक आधार पर साप्ताहिक बाजारों को भी अनुमति दे दी गई थी। सब कुछ सही रहने पर इन्हें नियमित रूप से खोलने की बात कही गई थी। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।